इस बात पे फंसाया गया है। मैं 27 तारीख को जब सुना होटल में, भानुशाली आया था होटल में, डायरेक्ट बोला कि बहुत जल्दी उठो, अहमदाबाद निकलना है, बड़ा गेम हो गया, बड़ा गेम आ गया, हो गया आ गया, दोनों बात की पप्पी लिया। फिर वो 12 बजे के बाद सब निकल गए। मेरे पैसे के बारे में मैंने पूछा, बोले यही होटल में बैठो, तेरे पैसे तेरे को मिल जाएंगे। फिर मैंने कंटिन्यू फोन लगाए, 29 को लगाया, 28 को लगाया, फिर एक को सुनील का फोन आ गया, मेरे को तेरे पैसे 2 दिन में कल मिल जाएंगे, जो एक तो कल मिलेंगे तो परसों मिलेंगे, ऐसा बोल के मैं बैठा मेरे जो। पर जब 3 तारीख की सुबह 7:30 बजे के बाद, 7 बजे तक, 7:30 बजे मनीष भानुशाली मिले, रूम पे आए, रूम पे बोला नाना उठो जल्दी नहाओ, तुम्हारे पैसे मिल गए तुमको, मेरे को बोल दिया भाऊ ने तुम्हारे पैसे देने का है। मग भाऊ का है, भाऊ तो अहमदाबाद है बोले। मतलब चलो गाड़ी, हम गाड़ी लेके हम मुंबई तरफ निकले। जब मुंबई तरफ निकलते वक्त मोबाइल पे बोल रहे था, भाऊ 25 का हुआ था तो 18 में क्यों डील हुआ, 18 CR में क्यों डील हुआ, 18 CR में डील हुआ तो 50 लाख ही क्यों मिला, बाकी रकम का है, सुनील हवाला हो गया है, 6 बजे का हवाला था, 6-7 बजे का हवाला था, तो किधर गया हवाला। और KP का फोन बना रहा, पूजा KP श्याम इसने कुछ तो झोला नहीं किया, गड़बड़ तो नहीं किया, ऐसा फोन पे बोल रहा था। जब तक एक घंटा सवा घंटा हमारे रास्ते पे चल रहे थे, तब उसने 2 बार भी वानखेड़े साहब का नाम लिया, पर सामने वाली कौन सी व्यक्ति बोल रही थी ये मेरे को पता नहीं, पर 2 बार वानखेड़े साहब से बात हुई क्या, वानखेड़े साहब से बात हुई क्या, ये 2 बार बोला है। पर उसके बाद ये बात तो सुनने के बाद उसको मैंने छोड़ दिया। फिर मैंने TV पे पूरा चैनल देखा थाना में, तो किरण गोसावी और मनीष भानुशाली पूरे TV पे दिख रहे थे। वो मैंने जीतू सर करके पूछा, जीतू सर मतलब ये क्या है, अपने को अर्जन किसको तो भी मिलना है, मैटर बहुत जबरदस्त झोल रहा है, इसमें बहुत रैकेट है। तो मैं जीतू सर को लेके किला कोर्ट पहुंचे 7:30, 8:30, 8:30 बजे। तो वहाँ पहुंचने के बाद हमको अंदर जाने नहीं दिया, मतलब पुलिस थे एक साइड में, मीडिया ज्यादा था, वहाँ पुलिस भी थे एक साइड में, 2-3 पुलिस थे, उनको पूछ के हम अंदर गए। फिर कैंटीन में चाय पिया मैंने और इनके, पर नीचे उतरे 9:30 तक सब वकील विकील चले गए। तो 2 गाड़ी खड़ी थी, एक 500 नंबर की थी और एक व्हाइट गाड़ी थी, ये मानी शिंदे साहब की। तो मैंने उनका ड्रावर नितिन करके नाम है, तो ड्रावर को पूछा भाई ऐसा ऐसा हो गया, बोले मैं इतना बड़ा आदमी नहीं, मैं साहब को डायरेक्ट मिलूँ और बोलूँ, तुम बोलो बोले। वो जब तक साहब आ गए नीचे, साहब मतलब मानी शिंदे साहब, वो मानी शिंदे साहब के पास 3-4 वकील, 2 लेडीज वकील भी थे, उनके सामने पूछा मैं, बोला साहब मेरे को 2 मिनट बात करना है। तो नो क्या बात है बोले, मतलब ऐसा ऐसा मेरे को मालूम गिरा, नो करके वो गाड़ी में बैठ गए। उतने में मेरा दोस्त को अंग्रेजी आती है, उनने भी वही बोला, तो नो करके चले गए। उसके बाद मैंने 2-3 बार उनको फोन पे भी कांटेक्ट किया, उनके ऑफिस में भी कांटेक्ट किया, और मैं पहले दिन से सच बातें उगलने वाला है, और जो है सच्ची है पूरा। देखो चौकसी तो चल रही, ड्रग्स की पूरी चौकसी चल रही, ये कितने आरोपी है, किन के पास क्या क्या मिला, ये पूरा चौकसी NCP कर रही, ड्रग्स अधिकारी कर रहे, न्याय देवता की तरफ पूरी स्टेटमेंट चल रही, न्याय देवता के आगे पूरा फाइल चल रहा, काम चल रहा। इस पे मैं इतना ही बोलूंगा कि ये मैटर में आर्य खान को फंसाया गया, ये बात पे मैं पक्का हूँ। ये देखो मैं नाम तो नहीं बोला समीर वानखेड़े ने फंसाया ऐसा नहीं, पर 4 लोगों ने तो पक्का फंसाया। कौन है ये 4 लोगों में? सुनील पाटिल है, KP गोसावी है, मनोज भानुशाली है, और श्याम डिसूजा है। नहीं अभी तक तो कोई पार्टी का ही कॉल नहीं है, किसी ने मेरे को अभी तक तो किसका फोन भी नहीं।